धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे। आज हमारे साथ हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट संदीप चिप जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किशोर जी हैं, कोषाध्यक्ष सुदीप जी और जनरल सेक्रेटरी तरुण जी। हमारा मेन मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आपने सुना होगा कि एक लंपी स्किन डिजीज जो है वो पशुओं में बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में आ गई है, लेकिन पिछले 10-15 दिन से हमारा जम्मू कश्मीर जो यूपी हमारी है वो सेफ थी, लेकिन 10-15 दिन से हमारे यहाँ भी उसने दस्तक दे दिया है। और हम आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, हमारी आल जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है वो सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज जो है इसको हल्के में ना लिया जाए। एज COVID-19 जैसे हुआ था ह्यूमन बीइंग के लिए, ये जानवरों के लिए स्पेशली गाय के लिए जो इतनी स्प्रेड हो रही है, आज अगर एक पशु को होती है तो दूसरे दिन 10 पशुओं को हो जा रही है और धीरे धीरे जानवर क्लैप्स हो जाता है और मर जाता है। तो मैं सरकार के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है, एलजी महोदय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे दुलू साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और दोनों कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं और डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री जो हैं, ये सारे और भी कोई शोधकर्ता जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको बिठा करके इस पे इमीडिएट जो है वो एक्शन किया जाए, इसका रिसर्च किया जाए और एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन निकले कि हमें करना क्या है और फार्मर को हौसले के लिए कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी। ऐसे आपने देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार की लोग सोशल मीडिया पे बाइट दे रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उससे हम गुमराह होते हैं, हमारे किसान गुमराह होते हैं और ज्यादा पैंडेमिक हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, एनिमल हॉस्पिटल, वहां पे इसकी कोई दवाई नहीं है और कोई भी इलाज यहाँ नहीं हो रहा। एक गरीब आदमी के लिए प्राइवेट जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो जो इलाज कर रहे हैं वो बहुत ही महंगा, एक गरीब आदमी के ऊपर आहत इमरजेंसी आपातकाल स्थिति में ऐसे हालात बन जाएं तो बताइए एक आम आदमी क्या फार्मर करेगा जो मिल्क प्रोड्यूसर है। तो मैं समझता हूं कि इस डिजीज को जैसे COVID-19 पे सरकार ने एक हल्ला बोल शुरू किया था, जैसे स्प्रे करवाई थी सारे शहरों में उस वायरस को रोकने के लिए, इस वक्त एक सारे गांव देहात में और सारे शहर में एक स्प्रे करवानी चाहिए जो वायरस हमारा पशुओं को एक से दूसरे पशु में जा रहा है वो कम से कम मक्खी और मच्छर के माध्यम से सुनाया कि जा रहा है, वो तो कम से कम खत्म हो जाए। तो आने